इस वीडियो के टाइटल के आगे एक नंबर लगा हुआ है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जिस भी वीडियो के आगे ये नंबर लगा हुआ है वो वीडियोस देखना बिल्कुल कंपलसरी है आपको जल्दी सक्सेस होने के लिए। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सब वीडियोज़ देखते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं क्योंकि हमें सक्सेस होना है। लेकिन रियल सक्सेस क्या है? जैसे कि हम सभी कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर सक्सेस होते हैं या फिर फेल होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सक्सेस के टाइप्स है। एक्सीडेंटल सक्सेस ये सबसे पॉपुलर है, यानी कि कुछ भी ऐसा हुआ एक्सीडेंटली किसी के साथ, वो सक्सेस हो गया तो वो बोलेगा कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतने मैंने एफर्ट्स किए थे, ये देर रात तक मैं इतना काम करता था तब मैं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वो नहीं बोलेगा कि उसे एक्सीडेंटल मिल गया। ये आपको पहचानना होता है। सबसे ज्यादा ये होता है स्टॉक मार्केट में, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि किसी को सक्सेस वैसे मिलती नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो फेक सक्सेस करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ एक कि जैसे कि अभी मैं अगर बताने लग जाऊं कि मैं ट्रेडिंग जीतता हूं और मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूं, अगर आपको अभी करना है, आपको भी जीतना है तो आप मेरा कोर्स ले लीजिए, तो ऐसे में क्या होता है लाखों करोड़ों लोग वो वीडियोस देखते हैं, जबकि वो लोग जो है वो एड्स लगा लगा के उस चैनल को बूस्ट करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से लाखों करोड़ लोग उसको देखेंगे तो कुछ हजार लोग वो कोर्स बाय कर लेते हैं, और कुछ हजार लोग वो बाय कर लेते हैं तो उसकी अगर कैलकुलेशन आप करें तो वो करोड़ों में आ जाती है, तो वो ऐसे करोड़पति हो जाते हैं लोगों को धोखा देकर। तो क्या ये सक्सेस है? नहीं, ये सक्सेस नहीं है। ये वो बंदा स्मार्ट हो सकता है पैसे कमाने के लिए, वो उसने कर लिया वो ठीक है, लेकिन वो सक्सेस नहीं मानेंगे हम इसे। या फिर हम कई बार किसी एक्टर्स की कहानी सुनते हैं जो कि कहीं रहता था दिल्ली में मुंबई में, और फिर उसे एक चांस मिल गया और फिर वो सक्सेस हो गया। तो अब भले ही वो ऐसा बोले कि मैं 4 बजे उठता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, ये बात अलग है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, उसे सक्सेस नहीं बोलेंगे। उसे वो एक्सीडेंटल मिल गया है, वो उसे पाना नहीं चाहता था, तो हम उसे सक्सेस नहीं बोलेंगे। वो हम उसे स्मार्ट बोल सकते हैं, बहुत ही टैलेंटेड बोल सकते हैं, जो काम वो कर रहा है उसमें हो सकता है बहुत आगे हो, बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन उसे सक्सेस नहीं बोल सकते हैं। तो सक्सेस में बहुत सारे मिथ्स है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि आजकल यूट्यूब पे चल रहा है कि ये उसको जाके मिल रहा है, वो उसको जाके मिल रहा है, और वीडियो बना के डाल रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जा रहे हैं जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है, और वहां से हम मैं खुद भी सीखता हूँ, लोग भी सीखते हैं, लेकिन वहां पे ऐसे लोग उनको मिलने को आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि मेरे यूट्यूब पे 9 लाख सब्सक्राइबर है और मैं सक्सेसफुल हूं। तो क्या यूट्यूब पे 9 लाख सब्सक्राइबर होना ही सक्सेस है? ये ज्यादातर उसके हाथ में नहीं है, ये ज्यादातर लोगों के हाथ में है कि कितने सब्सक्राइबर उसको बढ़ेंगे। और मैं ये भी नहीं मानता कि यूट्यूब पे जो काम करके सक्सेस हो रहे हैं, जो अचीव कर रहे हैं, वो फेल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, वो फेलियर है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बल्कि वहां पर अगर हम किसी को ला रहे हैं तो किसी सक्सेसफुल इंसान को ही लाना चाहिए, नहीं कि वहां पे जाके कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आ रहा है सिर्फ। तो ये एक अलग मैं सब्जेक्ट को टच कर रहा हूं यहाँ पे। तो आपको बहुत ही स्मार्ट होके चलना पड़ेगा कि हर एक जो बोल रहा है, जो सक्सेस की स्टोरी बता रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं है। तो रियल सक्सेस क्या है, इसी पॉइंट पे हम अभी आगे बढ़ने वाले, लेकिन मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि फेक सक्सेस क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक्टर का एग्जांपल दिया कि वो बोल रहा है कि उसे एक्सीडेंटली रोल मिल गया, फिर वो बहुत पॉपुलर हो गया और अभी वो टॉप 5 टॉप 10 में है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। रियल सक्सेस वो है जो, अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे कि कोई बड़ा काम ही रियल सक्सेस होता है, ये भी मेरा कहना नहीं है। जैसे कि हम अभी इलॉन मस्क को सभी पहचानते हैं, तो उस बंदे ने जो किया है वो रियल सक्सेस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने इतना बड़ा काम किया है तभी मैं उसको सक्सेसफुल बोल रहा हूं, ये नहीं कहना है मुझे। मुझे ये कहना है कि जो चीज आप सोचो और करना चाहो, जैसे कि कोई पूरी दुनिया घूमना चाहता है उसके लाइफ में, पूरी दुनिया, या फिर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, टॉप क्रिकेट प्लेयर में आना चाहता है, तो जो सोच के वही काम वो इंसान कर दे तो वो सक्सेस है। जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाखों करोड़ों सेशंस लोगों ने, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बोल दिए, लेकिन सक्सेस, व्हाट इज रियल सक्सेस? बहुत ही कम परसेंट लोग सक्सेस हो पाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम।
यानी कि 100 में से 0.2-0.1% ही सक्सेस हो जाते हैं। सक्सेस मतलब ये नहीं जो हमें रास्ते में मिल जाए वो ले लो, उसे हम स्मार्ट कहेंगे, उसे सक्सेस नहीं कहेंगे। जैसे कि अभी आपको टीचर बनना है, तो आपका जो काम हुआ वो टीचर बनना है, टीचर बन के लोगों को पढ़ाना, ये आपका मिशन हुआ, ये आपका गोल हुआ। लेकिन बीच में ही अगर आपको कोई लॉटरी लग जाती है मान लो, और आपके पास 5 करोड़ रुपए आ गए, या फिर आप केबीसी में गए और 5 करोड़ रुपए जीत गए, तो अब आपने वो 5 करोड़ रुपए ले लिए, तो आप सक्सेस हुए क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप वो 5 करोड़ रुपए लेने से मना कर देते हो कि भाई मैं ये 5 करोड़ नहीं ले रहा हूं, मुझे टीचर बनना है, तो आप बेवकूफ कहलाएंगे। लेकिन वो 5 करोड़ रुपए आपने ले लिए तो आप समझदार कहलाएंगे। लेकिन मैं इसे सक्सेस नहीं मानता हूं, मतलब कि वो सक्सेस एक्सीडेंटल मिला आपको, वो ऐसे ही मिल गया, जो आप करना चाहते हो वो नहीं हुआ, मतलब आप सक्सेस नहीं हो। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत कम परसेंट लोग हैं जो सक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि इलॉन मस्क ने सोचा कि ये जो रॉकेट है ये वर्टिकल ऐसे लैंड कर जाएगा, ये मेरे मुझे करना है, और वो उसने कर दिखाया, तो उसे हम सक्सेस बोल सकते हैं। तो जो हम सोचेंगे और फिर उससे पाने के लिए कोशिश करेंगे और फिर उसे पा लेंगे, तो उसको सक्सेस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे एक्सीडेंटली कल कुछ मिल गया, मुझे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, या फिर मेरी लॉटरी लग गई, या फिर किसी ने मेरे पे रहम करके मेरे को कुछ बड़ा ओहदा दे दिया, बड़ी पोस्टिंग दे दी, तो वो सक्सेस नहीं हुआ, वो एक्सीडेंटल सक्सेस हम बोल सकते हैं उसको। और अगर वो मैं ले लेता हूं तो मैं स्मार्ट हूं, होशियार हूं। अगर वो लेकर भी मैं मेरे सक्सेस के लिए काम करता रहता हूं तो मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, यानी कि मैं सक्सेस को नहीं छोड़ रहा हूं, जो मैं पाना चाहता हूं उसको नहीं छोड़ रहा हूं, उसको नहीं छोड़ा मैंने, कि भाई ये मुझे मिल गया है ठीक है मैं रख लेता हूं, लेकिन अब मेरा जो काम है वो मैं करूंगा, तो अगर उसमें मैं सक्सेस हो जाता हूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाता हूं। लेकिन अगर मेरा जो गोल है उसमें मैं सक्सेस नहीं कर पाता हूं और साइड से मुझे कुछ और मिल जाता है और मैं बैठ जाता हूं, तो वो सक्सेस नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला होगा आपको कि मैं ये करना चाहता था और फिर वो मेरे को वहां से अलग रास्ता दिखा, तो मैंने ये कर दिया और मैं सक्सेस हो गया। नहीं, आप सक्सेस नहीं है, आप स्मार्ट है, आप सक्सेस नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है सक्सेस को लेकर। तो अगर आपको किसी चीज में सक्सेस होना है, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो आपको वो चीज करके ही देनी, करके ही दिखानी होगी, तभी आप सक्सेस कहलाएंगे। तो इस बारे में मैं कुछ लोगों के नाम आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये लोग जो है ना, इनको पढ़िए, इन्होंने ठाना और कर दिखाया, और ये लोग रियल सक्सेस है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ लोग जिन्हें आप पहचानेंगे और ये पॉपुलर है उनके नाम दे रहा हूं। तो जो आप सोचते हो, गोल बनाते हो और फिर उसको सक्सेस कर देते हो, तब तो आप सफल कहलाते हो। तो इसमें और भी चीजें आती है, जैसे कि किसी, अब मान लेते हैं अभी किसी डायरेक्टर का लड़का है और वो एक्टर बन गया, उसने बहुत अच्छी फिल्म बना ली। अगर वो वैसा करना चाहता है, जबकि वो ऐसा ही कर लेते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी डायरेक्टर का लड़का कोई और बड़ा काम कर दिया या फिर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिया, ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि वो उन्हें आसान जाता है अपने अपनी फील्ड में खेलना। तो इस तरीके से उसे हम सक्सेस नहीं बोलेंगे। अगर वो करना चाहता है और उसने कर दिखाया, तो वो सक्सेस है। बस पिताजी की वजह से उसे रोल मिल रहा है, काम मिल रहा है और कर रहा है, और आप तालियां बजा रहे हो, तो ये आप बेवकूफ है। फिर आप भी बेवकूफ है और वो भी बेवकूफ है। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ता है। और दूसरी बात ऐसी है कि जरूरी नहीं कि आपको अगर सक्सेस मिल जाए तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, या फिर आप जिंदगी भर खुश रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अभी एक बंदे ने सोचा कि मुझे टीचर बनना है, तो जरूरी नहीं है कि वो टीचर बनने के बाद पूरी लाइफ अपनी खुशी रहे या फिर दुखी रहे, ये जरूरी नहीं है। ये अप डाउन होता रहेगा, कभी वो खुश रहेगा, कभी दुखी रहेगा। 30 तारीख को सैलरी आएगी, खुश हो जाएगा, 1-5 तारीख को खत्म हो जाएगी, फिर दुखी हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो गोल आपके लाइफ का बनाना है, सबसे पहले तो आपको लाइफ के लिए गोल बनाना पड़ेगा। अगर बड़ा गोल है तो ऐसे गोल तो आप नहीं रख सकते ना कि मैं साइकिल चलाना सीख जाऊं, ये 2-3 महीने में, 4 महीने में हो जाएगा। ये छोटे छोटे काम तो बहुत सारे आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो लाइफ सेट करने के लिए आपको मैं गोल के बारे में बोल रहा हूँ, वो तो आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा जिसमें आपकी लाइफ अच्छे से कट जाए और जो काम आप इंजॉय कर सको,
या फिर हो सकता है आपका उसमें उस काम के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो तो उसके लिए आप उसे करना चाहते हो तो भी आप उसे कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है आप सक्सेस होने के बाद भी बहुत ज्यादा खुश रहो या फिर बहुत ज्यादा दुखी रहो। ये एक इमोशनल स्टेट्स है इंसान के लाइफ के, तो वो बदलते रहेंगे। तो यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हर एक जो इंसान बोल रहा है कि मैं सक्सेस हूं, मेरा कोर्स ले लो, मेरे वीडियोस देखो, तो सबसे पहले ये कोर्स बेचने वाले तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज में कुछ अचीव कर लेता है, सक्सेस हो जाता है, तो उसको पैसों की जरूरत नहीं रहती, वो नॉलेज फ्री में दे देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे जो फ्री में नॉलेज देते हैं, अभी मेरे वीडियोज है फ्री में। तो लेकिन इसका भी दिखावा करना गलत है कि मैं फ्री में दे रहा हूं, मैं फ्री में दे रहा हूं, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, ये बार बार बोलना मतलब क्या है? आप जरूरत नहीं, कोई मांग नहीं रहा है, आप मुझसे वीडियो मांग नहीं रहे हो, मैं आपके लिए बना रहा हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ जाए बस। और इसी में टाइम पास करना कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, हर एक वीडियो में बोलना कि मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूं, इसके कितने पैसे होते हैं, तो ये भी एक गलत चीज हो गई। इसको बार बार बोलना मतलब ये कुछ वैल्यूएबल ऐड करना नहीं है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सामने वाले का टाइम वेस्ट ना हो और उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं तो बहुत छोटे लेवल पे हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं ऐसे जो कि जिनके वीडियोस में बहुत ज्यादा वैल्यू होना चाहिए लेकिन वो घट रही है, क्योंकि वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में। मैं वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 5-10 लाख का सेटअप करके अच्छे से वीडियो आपको दे सकता हूँ, जो कि आप देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लाइटिंग्स लगी हुई है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, कैमरा एंगल बदल रहे हैं, लेकिन उसे मैं वैल्यूएबल नहीं समझता, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप मेरा टाइम तो उसमें वेस्ट होगा कम से कम, भले ही आपका ना हो, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, जो मैं बात बोलना चाहता हूँ वो इतने डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा जितना कि मुझे सेटअप करने में लग जाएगा। तो ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, और अभी फिलहाल ऐसी कोई टीम नहीं है मेरी की जो इसे बेटर कर दे। अगर ऐसी कोई टीम बन जाती है और मेरा टाइम बच जाता है तो हो सकता है मैं करूँ। तो जिन लोगों के नाम मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उनको स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा है, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि वो जो बात बोल रहे हैं वो रियल उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई है। ऐसा नहीं किसी किताब से पढ़ के उन्होंने वीडियो बना दिया और वो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ये उनके वीडियोज में नहीं रहेंगी। ज्यादातर उनसे कोई पूछ रहा होगा ये चीजें तो वो बता रहे होंगे, तो वो वीडियोज को आप ज्यादा देखिए। इसके अलावा कि आप किसी ऐसे क्रिएटर के वीडियो देख रहे हो जो कि पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी 1 में काम कर रहे हैं तो ये तो आपको समझना ही चाहिए, ये तो ऑटोमेटिकली आपको समझना चाहिए, ये मेरे समझाने से पहले आपको समझ जाना चाहिए था। और दूसरी बात, कैटेगरी 2 और 3 के लोग जो है वो थोड़ा इसे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें वक्त लगता है, तो कोई बात नहीं, अभी मैंने वीडियो बना दिया है और जो भी वीडियोस है जिसके आगे एक नंबर लगा हुआ है इस चैनल पे, वो वीडियो आप देख लीजिए तो आप भी लेवल अप कर लेंगे। थैंक यू। तो रियल सक्सेस वही है जो हम सोचे और ठाने कि ये चीज़ मैं कर दिखाऊंगा और फिर उसे हम कर दे, तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को हम रियल सक्सेसफुल व्यक्ति कहेंगे।